नमस्कार दोस्तों, किसी कॉलेज का काम या ऑफिस का काम या स्कूल का काम के लिए PDF फाइल की बहुत सारा जरूरत पड़ता है। तो आज हम देखेंगे PDF फाइल फ़ोन में कैसे बनाया जाता है, वो भी आसान तरीक़े से आप लोगों को समझूंगा। तो उसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको प्ले स्टोर से मिलेगा। तो पहले आप प्ले स्टोर में जाओ और सर्च करो गूगल ड्राइव। तो मेरा गूगल ड्राइव पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम इसको ओपन करेंगे। आपका अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद फाइल में क्लिक करने के बाद कोई प्लस सिंबल दिखेगा, तो प्लस सिंबल में क्लिक करेंगे। प्लस सिंबल में क्लिक करने के बाद स्कैन का ऑप्शन आएगा। स्कैन में क्लिक करके आप कैमरा से फ़ोटो खींच सकते हो। मान लो ये फ़ोटो हमको लेना है। क्लिक करने के बाद हम टिक करेंगे। अगर आपको और फ़ोटो लेना है या और फ़ोटो जोड़ना है, आप लेफ्ट साइड में प्लस सिंबल दिया हुआ है उसमें क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। मान लो ये फ़ोटो लेना है आपको, तो क्लिक करने के बाद हम इसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद दो फोटो हमारा रेडी हो गया। अगर आपको और जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हो प्लस सिंबल में। तो हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको रीनेम का ऑप्शन आएगा, आप कुछ भी डाल सकते हो। मान लो मैंने ये डाल दिया, तो डालने के बाद हम सेव करेंगे। वो भी सेव करेंगे। सेव करने के बाद थोड़ा सा आपको टाइम देना है, थोड़ा सा टाइम के अंदर वो रेडी हो जाए। देखिए आप देख सकते हो रेडी हो गया। तो हम इसको ओपन करेंगे। आप देख सकते हो मेरा PDF जो है रेडी हो गया कुछ मिनट के अंदर। तो दोस्त, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर टेक्नोलॉजी को लेकर कोई सवाल है तो आप हमारा इंस्टाग्राम लिंक में क्लिक करके उधर DM कर सकते हो, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। टेक केयर।